वेलकम, मैं हूँ साक्षी और आप देख रहे हैं टुडेज न्यूज़, जहाँ होता है एंटरटेनमेंट की दुनिया से डायरेक्ट कनेक्शन। जैसा कि आपको बता दें कि बिग बॉस 11 की ट्रॉफी अपने नाम कर चुकी टीवी एक्ट्रेस शिल्पा शिंदे अक्सर विवादों में घिरी रहती हैं। बिग बॉस 11 के घर में भी शिल्पा शिंदे ने जमकर सुर्खियां बटोरी हैं। बिग बॉस 11 के बाद से शिल्पा शिंदे टीवी से गायब चल रही हैं। कुछ समय पहले ही शिल्पा शिंदे को टीवी के कॉमेडी शो गैंग्स ऑफ फिल्मिस्तान में देखा गया था। चंद एपिसोड में काम करने के बाद शिल्पा शिंदे ने इस शो से किनारा कर लिया था, जिसके बाद शिल्पा शिंदे ने पौरुषपुर नाम की एक वेब सीरीज में काम किया। दरअसल अब खबर आ रही है कि शिल्पा शिंदे जल्द ही बॉलीवुड में एंट्री करने वाली हैं और अपनी नई पारी की शुरुआत करेंगी। वह बॉलीवुड फिल्म बूंदी रायता में नजर आएंगी। खबरों की माने तो इस फिल्म में उनके साथ बंगाली फिल्म एक्ट्रेस दर्शना बानिक भी होंगी। इनके अलावा फिल्म में हिमांश कोहली, नीरज सूद, सोनाली सहगल, अलका अमीन और राजेश शर्मा भी होंगे। फिल्म के डायरेक्शन का जिम्मा कमल चंद्रा संभाल रहे हैं। हालांकि शिल्पा शिंदे ने कहा है कि फिल्म को लेकर वह काफ़ी उत्साहित हैं। फिल्म में उनका किरदार काफ़ी सादगी भरा है और वह रवि किशन के साथ रोमांस करती नजर आएंगी। फिल्म की शूटिंग देहरादून में भी की गई है। थैंक यू सो मच की वॉचिंग फॉर मोर एंटरटेनमेंट न्यूज़ एंड अपडेट।